हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफी दिनों बाद यहाँ पर वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम चार्ट ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक वीडियो को बने रहिए, देखिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि जितना समझेंगे जितना सीखेंगे उतना पैसा आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बनता हुआ नजर आएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, एज वेल एज यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेरीज है, आप कमेंट करिए और हमारी सर्विसेज का भी जाके देखिए और दूसरी वीडियोस को भी जाके देखिए, सीखे, समझे। और जितना सीखेंगे जितना समझेंगे उतना पैसा बेहतरीन यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी आपको करनी है। और खुद की स्टडी करेंगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, याद रखिए। तो हम इस स्टॉक्स में एक ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे इस वीडियो में जहाँ जिसने 4 बार तो आपको यहाँ पर दिया है, क्या यहाँ पर दिया है आपको बोनस एज वेल, सॉरी, 4 बार राइट इशू, 4 बार ही यहाँ पर बोनस ये कंपनी दे चुकी है। बहुत पुरानी कंपनी है, देख सकते हैं 1966 में बोनस दिया था सबसे पहली बार। स्प्लिट की बात करें तो एक बार स्प्लिट हो चुका है 2005 में और उसके 2000 यहाँ पर देखे सब पुराना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट इशू भी सब पुराने टाइम में ही हुआ है, स्प्लिट भी पुराने टाइम में हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो 2014 के बाद कोई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। ओके, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस शायद 2014 से लेके 2021 तक अच्छा नहीं रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंपनी है कौन सी, बट ये शेयर क्या है, केवल और केवल 46 रुपए का, 46 रुपए का शेयर। और मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ये दोबारा यहाँ से डबल होने की पूरी क्षमता रखता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर शेयर पे। तो कंपनी और कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पर देखिए 65 रुपए का ये 6 अक्टूबर को शेयर था, 17 फरवरी को 19 रुपए का शेयर था, अभी कितने का चल रहा है, लगभग यहाँ पर 46-47 रुपए का चल रहा है। और 62% की डिलीवरीज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर उठाई गई है, लगभग 8,75,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी का नाम यहाँ पर बता देता हूँ, डीसीडब्ल्यू इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, 46 रुपए का शेयर है और स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर देखिए 1216 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मैं ऐसी कंपनी बताता हूँ जिसका मार्केट कैप कुछ 1000 करोड़ होता है या फिर उससे भी कम होता है, तो याद रखिए उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि हाँ मैंने अगर कह दिया ये शेयर डबल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। ओके, हो सकता है, इसे थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, यहाँ पैसा बनेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें, और वो कुछ बेसिस पे बता रहा हूँ, वो हमेशा बताते ही हूँ, बट यहाँ पर अगर ज्यादा पैसा आप लगाएंगे स्मॉल कैप या ऐसे शेयरों में तो उसमें गिरने के ही चांसेस रहेंगे। तो 46 रुपए से अगर 20 रुपए पे आ जाएगा तो आपकी को घबराहट हो जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पर घबराहट ना हो, आपको आराम से आप शांतिपूर्वक यहाँ पर रहे, तो उसके लिए यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट ही ऐसे शेयरों में करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या वो जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है DCW लिमिटेड। तो अगर हम यहाँ पर जानते जाते हैं इस पर कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद अ फोकस ऑफ कमोडिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज अगर हम देखें यहाँ पर ये स्टार्ट हुई थी धरंगधरा में, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1939 में, लगभग बहुत पुरानी कंपनी है। व्हेन इट टुक ओवर द इंडिया फर्स्ट सोडा ऐश, मतलब ये सोडा ऐश में काम करती है फैसिलिटी इन धरंगधरा एज वेल एज विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें इनके पोर्टफोलियो में क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो कंपनी है ये कम्युनिटी केमिकल्स में जैसे कि सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, पॉलीविनाइल क्लोराइड में कंपनी काम करती है। और यहाँ पर देखिए ये जो दो चीज है ना, सोडा ऐश एज वेल एज कॉस्टिक सोडा, यहाँ पर आपने देखा होगा एज वेल एज पीवीसी। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से दूसरे शेयर काफी भागे हैं। इंटरमीडिएट्स केमिकल जैसे कि लिक्विड क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओटॉक्स सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज ट्राई क्लोरो एथिलीन में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में ये पर्टिकुलर चीजों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसकी कॉम्पिटिटिव की बात करें तो यहाँ पर देखिए द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरर ऑफ SiO PL,
इन इंडिया इट ऑल्सो द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ सी पी वी सी इन इंडिया। तो यहाँ पर सी पी वी सी में एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और केवल एक ही ये कंपनी है जो यहाँ पर सी पी वी सी सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। द रिसेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ सी पी वी सी फ्रॉम चाइना एंड साउथ कोरिया हैज हेल्प द कंपनी टू इम्प्रूव रियलाइजेशन एंड मार्जिन फॉर सी पी वी सी। तो यहाँ पर रखिए ये चाइना फैक्टर भी यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी फिर भागती हुई नजर आएगी। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 49% जो इनके रेवेन्यू है ओके वो यहाँ पर कास्टिक सोडा सोडा एश सीपीवी से आता हुआ दिखाई देता है। और रेवेन्यू मिक्स अगर बात करें रेवेन्यू मिक्स बिटवीन कमोडिटी केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स स्टोर्ड एट 86% एंड 14%। तो यहाँ पर 86% यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट से 14% यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल से। और कंपनी की बात करें कंपनी का एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। 100+ इनके कस्टमर्स है अगर बात करें यूएसए ब्राज़ील स्पेन नाइजीरिया टर्की यूरोप सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया बांग्लादेश चाइना जापान यहाँ पर ये सब जगह कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। 2021 की अगर बात करें यहाँ पर 16% का रेवेन्यू वहाँ से आया है कंपेयर टू द 24% यहाँ पर 2020 में आया करता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया बट स्टिल कंपनी इज डूइंग गुड। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्रियल सर्व तो यहाँ पर देखिए कंपनी काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज को ऐसी कंपनी मतलब ऐसी कंपनीज को सर्व करती है जैसे कि जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिटर्जेंट फूड फार्मास्यूटिकल्स पिगमेंट्स फर्टिलाइजर एल्यूमिनियम एंड अदर बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो कंपनी काम करती है उन्हें अपने प्रोडक्ट्स अप्लाई करती है। क्लाइंट की बात करें सॉरी तो यहाँ पर देखिए इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं नालको फिनोलेक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर आशीर्वाद पाइप्स टीएन न्यूज एंड पेपर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स एस्ट्रल एटसेट्रा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कंपनी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ओके यहाँ पर इनके बिल्कुल क्लाइंट बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं ये सारे के सारे इनके कम क्लाइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी काफी बेहतरीन नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है वो सब चीज यहाँ पर आप जाके एक बार इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बातें कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड तो जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप कंपनी है थोड़ा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। करंट प्राइस लगभग 46 पे और 66 मतलब यहाँ पर 20 रुपए नीचे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है ऑल टाइम हाई से। और यहाँ पर अगर हम कुछ और पैरामीटर की बात करें आरओसी 10% का आर ओ यहाँ पर 0.56% का ही है। 83% का कंपनी के ऊपर डेट भी और 21 के पीई पे ही ये शेयर मिल रहा है। ज़्यादा यहाँ पर महंगा भी नहीं है 2 का फेस वैल्यू की है कंपनी है। और यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी कोई नीचे के लेवल पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर खरीदता है तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा उसे होता हुआ नजर आता है हमेशा ये देखा गया है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो मतलब कभी शेयर ज्यादा अच्छे रिवेन्यू पेश करता है कभी बेकार रिवेन्यू पेश करता है इसकी वजह से शेयर ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहता है। तो यहाँ पर अगर अभी की बात करें तो अभी हमें ये शेयर लेना चाहिए या नहीं तो इसके इसकी ये जो नंबर्स है वो हमें बता रहे हैं कि हाँ इस शेयर में हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें सेल्स की बात करें कंपनी यहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर पेश कर रही है और कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नंबर। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया बट क्वार्टरली बेसिस पे फिर फ्लैट नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया 27 करोड़ का ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर। ये स्टैंड अलोन दिखाई है। कंसोलिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं है स्टैंड अलोन ही है ओके फाइन। तो अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी बट इसके बाद जैसे कि 2014 के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया था बोनस वगैरह कुछ भी नहीं कंपनी ने दिया 2014 के बाद यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिया तो क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार होता हुआ नजर आ रहा था। बट अगेन कंपनी यहाँ पर पिछले 2021 से अच्छा खासा परफॉर्मेंस जैसे ही चाइना फैक्टर आता हुआ दिखाई दिया है। हाईएस्ट एवर नंबर पेश करो पिछले 12 महीने में 2200 करोड़ की सेल्स करी है जो कि पिछले 1100 साल में ऐसा करके नहीं दिखाया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे बट हाँ पिछले अगर हम बात करें 6-7-8 साल की तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रहा है और कंपनी घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट में आ रही है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कंपनी इज डूइंग गुड। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं
बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी के ऊपर बीच में कर्जा ज्यादा हो गया, तो वो धीरे धीरे कर्जा भी चुका रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 9 करोड़ रुपए है, और कैश की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का लगभग 148 करोड़ रुपए का कैश भी है। तो कंपनी छोटी है बट अच्छा खासा कैश रख रखा है कंपनी ने। इसके अलावा हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो 46.76% के शेयर प्रमोटर्स ने अपने पास रख रखे हैं। ओके, यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है। FIIs की बात करें, FIIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 6.32% की। DIIs अभी तक यहाँ पर पहले हुआ करते थे, बीच में उन्होंने सब कुछ बेच दिया। ओके, अभी तक एंट्री नहीं करी है, बट जैसे ही अच्छे नंबर आते हैं तो DIIs भी कभी यहाँ पर आना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगी। और यहाँ पर 46.9% लगभग 47% पब्लिक में दिखा रहा है, बट इसमें अगर देखेंगे तो लगभग 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर ले रखी है कंपनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 44% के आसपास की होल्डिंग, 45% के आसपास की होल्डिंग ही यहाँ पर नजर आती है पब्लिक के बीच में, और उसमें बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होंगे जिन क्योंकि 1% से ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग जब होती है तभी यहाँ पर दिखाता है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और पॉइंट्स की, तो देखिए सब चीज यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कंपनी के नंबर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पर नीचे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ पैरामीटर देखें तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर भी एक बार रुकते हुई नजर आई थी, अगेन उसी लेवल पर यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिजल्ट दे सकती है। कंपनी में गिरावट थोड़ी सी हो सकती है, पहले गिरावट की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ओके, सपोर्ट कहाँ पर नजर आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी यहाँ पर 2 दिन से लोअर सर्किट लगाती हुई नजर आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही ये खेल चलेगा। तो अगर आप शेयर को यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते रहना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं, क्योंकि नीचे से जब ये भागना शुरू करेगा, अभी एक आध दिन गिर रहा है, एक आध दिन और गिर सकता है, और जैसे ही नीचे से भागना शुरू करेगा तो ये शेयर डबल यहाँ पर ट्रेडिंग करते नहीं, यहाँ पर फिर 5-5% का अपर सर्किट लगा के ही ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे का लेवल यहाँ पर इसका 40 रुपए का खुला हुआ है। ओके, लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें 40 रुपए का, और यहाँ पर बात करें 38 रुपए का, तो अब यहाँ पर 8 से 10 रुपए की गिरावट हो सकती है। 8 से 10 रुपए की गिरावट यहाँ पर लगभग 20-30% की गिरावट हो सकती है, 20% की गिरावट एक बार कह सकते हैं कि नीचे आ सकता है शेयर। बट और ऊपर की बात करें तो ऊपर सबसे पहला टारगेट मेरा यहाँ पर जो नजर आता है, सबसे पहला टारगेट मेरा सीधे यहाँ पर नजर आता है इसके ऑल टाइम हाई की उतर, जो कि कितना है यहाँ पर, ये है 41%। तो अगर ये टारगेट कब आया था इसका, अक्टूबर 2021 में आया था। ओके, तो अगर हम यहाँ पर नंबर इनके देखते हैं क्वार्टरली, अक्टूबर के नंबर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यही देखिए। तो यहाँ पर जो नंबर थे वो 20 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 27 करोड़ का प्रॉफिट है। और अभी अगर हम देखें तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म्स कर रही है। अभी भी आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो 41% के रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर ऐसे जब शेयर पे बड़े लोगों की नगाहें पड़ती है तो तुरंत भागते हुए नजर आते हैं, तो इसकी तरफ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर 41% के रिटर्न, बट नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे टारगेट की यहाँ पर रियलिस्टिक नजर आता है और यहाँ पर अचीव होता हुआ भी नजर आता है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगी एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है पर्टिकुलर शेयर कौन सा। तो यहाँ पर देखिए एक शोल्डर बनाया, ओके, इसके बाद इसने एक हेड बनाया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इसने हेड बनाया, हेड बनाने के बाद ये इसने यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, और फिर यहाँ पर से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया, अगेन नीचे आ रहा है, नीचे आके ऊपर जब जाएगा तो देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें से बस ये एक बार निकल जाए, ओके, इसमें से ऊपर निकलता हुआ नजर आए तो इसके बाद एक ब्रेकआउट होगा, जो कि यहाँ पर कब होता हुआ नजर आएगा, 52 पे, 52 का ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ पर 66 का निकाल देगा तो यहाँ पर और ऊपर ये शेयर जाएगा, और इसके हिसाब से जो टारगेट आ रहे हैं तो याद रखिए ये जो टारगेट है अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 600%, मतलब शेयर यहाँ पर 600% ऊपर जा सकता है। तो इतना तो नहीं हम मैं बात करूंगा, ओके, रियलिस्टिक रखते हैं थोड़ा सा, और ये भी रियलिस्टिक ही है, ये कोई ऐसा नहीं है। अगर नंबर आज इसके 2-3 क्वार्टर में नंबर अच्छे आते रहे तो ये टारगेट भी अचीव होने में कोई देर नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम थे ना वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम थे यहाँ पर काफी सालों के बाद। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ चीजों की तो आपको पता चलेगा, सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 46 का, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जब चीजें
यहाँ से निकल जाए तो याद रखिए अच्छी खासी रैली होती है नजर आएगी, वो देखेंगे। फिर वो यहाँ पर 100 रुपए पे रुकती है, 150 रुपए पे रुकती है, 200 रुपए पे रुकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन्वेस्ट करने की यहाँ पर सोच सकते हैं, बेहतरीन शेयर चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ही यहाँ पर रिस्क है, रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा खासा है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर पोजिशन लेना है। कंपनी का नाम आपको बता ही दिया है, कोई भी क्वेरीज हो आप हमें यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें, और वीडियो जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तब यहाँ पर आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।